हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे जे एडुटेक। सो टुडेज आवर टॉपिक इज़ मोशन ऑफ कनेक्टेड ब्लॉक ओवर द पुले। बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है इसका, आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको एकदम क्लियरली ये विजिबल हो जाएगा कि किस तरह से जो ब्लॉक्स है पुली के ऊपर में वो बिहेव कर पाएंगे। आप देखें ज़रा, देखिए हम लोग सबसे पहला कंडीशन ये मान के चल रहे हैं कि M2 जो है हमारा M1 से ग्रेटर है। सबसे पहली कंडीशन ये, इसका मतलब 101% की फोर्स जो M2 के ऊपर में लग रहा है वो M1 से ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। नाउ इधर में हमारे पास में क्या है, टेंशन, दैट इज़ द T1 एंड द T2 आर द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। टेंशन क्या होता है, बेसिकली जो फोर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग, दैट इज़ वॉट वी कॉल्ड एज अ टेंशन। ठीक है, अच्छा T2 का जो टेंशन है यहाँ पर भी ये पूरा हमने एक ऊपर में जो है एक फिक्स्ड हमारा ब्लॉक है जिसके ऊपर में ये हमारा पुले कनेक्टेड है, उसका टेंशन हमने क्या कंसिडर किया है, दैट इज़ द T2। फाइन, चलिए सबसे पहले हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं एक बार। फ्री बॉडी डायग्राम का पहला केस हम लोग बात करते हैं किसकी, M2 की बात करते हैं। तो ये मैंने M2 बनाया है यहाँ पर, ये M2G हो गया। ठीक है, फोर्स इज एट द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड सिमिलरली टेंशन विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ फोर्स, दैट इज़ वॉट वी कॉल्ड एज अ T1। करेक्ट है, यहाँ पर आपने क्या लिख देना है, M2 लिख देना है। ओके, सो नाउ यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर में हो रहा है। सो नेट फोर्स की बात करें, अच्छा इधर का फोर्स जो है वो उधर के फोर्स से ज़्यादा था T1 से, तो इसका मतलब ये हो गया कि M2G इज़ ग्रेटर देन T1। फाइन, तो M2G माइनस T1 इज इक्वल्स टू M2A, दैट इज़ आर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियरली ब्लॉक फॉर द M1। सो अगेन यहाँ पर भी वही बात होगी। अच्छा यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर देखिएगा जो मेरा पुले है, जो मेरा पुले है वो कैसे रोटेट होने वाला है, इस तरीके से मूव होने वाला है ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसका मतलब T1 किस डायरेक्शन में जाएगा, इधर जाएगा। तो इसका मतलब T1 इज़ अगेन हियर ग्रेटर देन M1G। ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉक मेरा अपवर्ड मूव करेगा, इसका मतलब टेंशन ज़्यादा है फोर्स से। तो ये हुआ M1G एंड हियर इज़ द T1। सो वी कैन राइट T1 माइनस M1G दैट इज़ इक्वल्स टू M1A, दैट इज़ आर सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन आ गई। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द टोटल सिस्टम। सो A इज इक्वल्स टू व्हाट, सिग्मा ऑफ F अपॉन M। ठीक है, टोटल फोर्स की बात करें तो बड़ी सीधी सी फंडा है इसके अंदर में कि ये ब्लॉक जो है वो ऐसे मूव कर रहा है और वो ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब फोर्स इधर ज़्यादा है और फोर्स उधर कम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग लिख सकते हैं M2G माइनस M1G अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, दैट इज़ M1 प्लस M2। करेक्ट है, एक्सेलरेशन आ गया मेरा, तो पहला पॉइंट मेरा एक्सेलरेशन आ गया। अब मैं इसकी मदद से T1 को भी फाइंड आउट कर पाऊँगा और T2 को भी फाइंड आउट कर पाऊँगा। तो करते हैं कैलकुलेट, M1A इज इक्वल्स टू T1 माइनस M1G। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, तो लेसर क्लियर कर लेते हैं एक बार इधर लेकर, दैट इज इक्वल्स टू T1। सो नाउ M1 एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर दी वो भी लिख लेते हैं, दैट इज़ M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। जी को मैंने बाहर ले लिया, प्लस M1G इज इक्वल्स टू T1। तो देखिए M1G दोनों में से कॉमन लिया, इस टर्म और इस टर्म में से कॉमन ले लिया, तो M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू T1। सो नाउ M1G M2 माइनस M1 प्लस ऑफ M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू T1, वेयर इट विल बी गेट कैंसल्ड आउट। सो फाइनली आंसर इज ट्वाइस ऑफ M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 G इज इक्वल्स टू T1। इज इट क्लियर, एकदम सिंपल सा एक्सप्रेशन सॉल्यूशन था पूरा का पूरा। सिमिलरली मैं T2 निकाल दूंगा, तो T2 विल बी जस्ट द डबल ऑफ इट, सेम टू सेम एक्सप्रेशन आने वाला है, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, दैट इज़ द G, अगेन द सेम एक्सप्रेशन ओवर हियर, एंड द फाइनली इज द पुले। नाउ अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो पुले है वो T2 इस तरीके से कुछ है। ठीक है, अच्छा एक स्ट्रिंग आपकी T1 इधर जा रही है, इसको अपोज करने के लिए वो भी दूसरा T1 इस दिशा के अंदर में जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया T1 और ये हो गया T1।
सो T2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द T1, करेक्ट है, ये हमारा फाइनल रिलेशन है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ फिर से क्लियरली एक बार। बड़ा सीधा सा फंडा है कि आपको मालूम है कि ये ब्लॉक हैवी है तो ऑब्वियसली ये इधर मूव करेगा, तो T1 जो होगा वो इस दिशा में काम करेगा। उसी प्रकार से इसको अपोज करने के लिए ये वाली स्ट्रिंग फोर्स लगाएगी इधर, दैट इज़ T1, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो एक क्लॉकवाइज जा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो T2 कितना हो जाएगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ T1, बोथ विल बी गेट एडेड, फाइन। तो ये था मेरा मोशन ऑफ कनेक्टेड ब्लॉक ओवर द पोले का फर्स्ट पार्ट। सो लेट अस मूव ऑन द सेकेंड पार्ट। तो चलिए ये पुली सिस्टम को एनालाइज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में 3 ब्लॉक्स है, 1, 2 and 3, देर आर 3 ब्लॉक्स। अब इस पुली सिस्टम के अंदर में क्या है, वही कंसिडरेशन कर रहे हैं हम लोग, इधर में जो फोर्स है ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू दिस वन। सो ऑब्वियसली इसका मूवमेंट यहाँ होगा और इसका मूवमेंट अपवर्ड्स होगा, फाइन। सो नाउ अब M3 की अगर हम लोग बात करते हैं तो M3 के साथ में यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, M3G, फाइन। अगर ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स मोशन की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब टेंशन जो होगा अपवर्ड्स होगा इस साइड के अंदर में। इस टेंशन को मैंने मार्क किया है यहाँ पर T2। सिमिलरली ये ब्लॉक भी नीचे की तरफ में डाउनवर्ड की तरफ में मूव हो रहा है, इसका मतलब इसका भी कुछ होगा, दैट इज़ द टेंशन 2, दोनों का सेम रहने वाला है। तो अपोजिट जो स्ट्रिंग में टेंशन लगेगा वो कितना होगा, T1 होगा, सिमिलरली, क्लियर है। तो चलिए हम लोग इसको जज करते हैं किस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ले लेते हैं, किसका लेंगे, सबसे पहले हम लोग M1 का ले लेते हैं। तो यहाँ मैंने M1 लिखा है, यहाँ पर M1 जी, देखिए स्ट्रिंग का टेंशन जो है इस साइड में हायर होगा, द फोर्स विल बी मच मोर ग्रेटर इन कंपेरिजन टू दिस वन, सो इट मीन्स दैट T1 विल बी टेकन एज अ पॉजिटिव, ओके। सो नाउ T1 माइनस M1G इज इक्वल्स टू M1A, ओके। सो एक्सेलरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सिमिलरली उसके हिसाब से मैं लेता हूँ अभी सेकंड ब्लॉक का, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज एन M2। यहाँ पर हमारे पास में T1 है, यहाँ डाउनवर्ड्स के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्लॉक का जो मास रहेगा वो M2G, दैट इज़ द डाउनवर्ड्स फोर्स, प्लस द टेंशन, दैट इज़ द T2, जो मैंने यहाँ पर आपको बड़ा क्लियरली मार्क करके रखा हुआ है। इस डायरेक्शन में आप देखोगे तो यहाँ पर T2 है, फाइन। तो यहाँ की हम लोग बात करेंगे तो ब्लॉक तो यूँ मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब दिस एक्सप्रेशन विल बी ग्रेटर देन T1, फाइन। तो इसका मतलब दिस एक्सप्रेशन विल बी ग्रेटर देन T1। तो चलिए देखते हैं, तो M2G प्लस ऑफ T2 माइनस ऑफ T1, दैट इज इक्वल्स टू M2A, द नेट फोर्स, ओके, क्लियर है एकदम आपको यहाँ तक। सो नाउ दैट इज़ द सेकेंड एक्सप्रेशन फॉर द ब्लॉक M2। नाउ फॉर द ब्लॉक M3, हमको ब्लॉक M3 के बारे में यहाँ पर जानना है, ठीक है। तो ब्लॉक M3 की बात करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनने वाला है, इस हिसाब से बनेगा। इधर में M3G लगने वाला है, इन द अपोजिट डायरेक्शन वी आर हैविंग दिस T2 एंड द एक्सेलरेशन इज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो द M3G माइनस ऑफ T2 इज इक्वल्स टू M3 ऑफ A, दैट इज़ आर थर्ड रिलेशन, ठीक है। तो सब रिलेशंस को फाइनली हम लोग लिख लेते हैं, M1A इज इक्वल्स टू T1 माइनस M1G, दैट इज़ आर फर्स्ट रिलेशन। सिमिलरली M2A इज इक्वल्स टू T2 प्लस M2G माइनस ऑफ T1 इज आर सेकेंड रिलेशन, एंड देन आफ्टर M3A इज इक्वल्स टू M3G माइनस T2 इज़ आवर थर्ड रिलेशन। ये मेरे 3 रिलेशन से पोले के, सबसे बड़ी बात है मुझे अभी तक एक्सेलरेशन निकालना है, सो दैट इज़ द F/M समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस में करके यहाँ पर देख लेता हूँ किस हिसाब से लगेगा। सो सिंपली M3G, ओके, दैट इज़ ग्रेटर। सो नाउ M3G प्लस M2G एंड दैट इज़ माइनस ऑफ M1G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, द नेट मास, ये हो गया हमारा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको पुट करते हैं हम लोग सबसे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर में। नाउ वी विल पुट इन द फर्स्ट इक्वेशन एंड देन सॉल्व द सॉल्यूशन इक्वेशन, ओके। देखिए कैसे पुट करते हैं, M1A इज इक्वल्स टू T1 माइनस M1G। सो नाउ
M1, जी कॉमन निकाल लीजिए, M2 प्लस M3 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस ऑफ M1G इज इक्वल्स टू T1। सो नाउ M1G को पूरा कॉमन निकाल दिया, M2 प्लस M3 माइनस M1, इसके नीचे 1 है, सो वी विल जस्ट टेक द एलसीएम ओवर हियर। सो M1 प्लस M2 प्लस M3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 दैट इज इक्वल्स टू T1 ओवर हियर। यहाँ पर M1 और M1 को कैंसिल कर दीजिए, तो सिमिलरली M1G एंड हमारे पास रिमेनिंग क्वांटिटी ये रहेगी, तो 2M2 प्लस 2M3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 इज इक्वल्स टू T1। सो नाउ फाइनली व्हाट विल गेट हियर, M2 प्लस M3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 दैट इज इक्वल्स टू T1। सो दैट इज़ द टेंशन एट द T1। फाइन, सिमिलरली हम लोग क्या करने वाले, T2 के लिए भी निकालेंगे, जस्ट अपोजिट हो जाएगी टर्म्स हमारी, M1 की जगह पे यहाँ पर लग जाना है हमारे पास में M1 M3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय G। एंड इन द केस ऑफ द T3 इवन वी कैन फाइंड आउट द T3 वेरी इजीली ओवर हियर। सो सिमिलरली यहाँ पर आप लोग क्या करने वाले हैं, T3 की केस की अगर आप लोग बात करेंगे तो सिंपल सा केस ये बनने वाला है। T3 का फंडा तो बड़ा सीधा सा है, यहाँ पर क्या करना रहेगा, T3 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द T1। कैसे हुआ, क्योंकि ये पूले सिस्टम है हमारा पूरा करेक्ट। यहाँ पर हमारे पास में जो टेंशन था वो कितना था, T1 था। अब सीधी सी बात है कि इस साइड का फोर्स ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो टेंशन जो है वो इस साइड में हमारा ज़्यादा रह रहा है। सिमिलरली इस टेंशन को अपोज करने के लिए, क्योंकि ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है पुले, तो सिमिलरली उस टेंशन को जो रोकने के लिए यहाँ पर भी एक तरीके का टेंशन अप्लाई होगा, जिसको हम लोग नाम देंगे T1। तो T3 जो होगा वो ट्वाइस ऑफ द T1 होगा, और आपने अभी T3 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ T1, तो T1 की जो वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट करी थी यहाँ पर वो थी 2M1 M1 प्लस M2 M1 सॉरी M2 प्लस M3 एंड दैट इज़ अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। सीधा सा फंडा है कि यहाँ पर हमारे पास में फोर्स ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है T1 हमारा जो है वो यहाँ पर अगर मूव कर रहा है, T1 जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको अपोज करने के लिए जो T1 की डायरेक्शन होगी वो इसके अपोजिट होगी इस डायरेक्शन में। सो दैट इज़ द रीज़न T3 के लिए आप लोग ने क्या लिखा, T1 प्लस T1 लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर अप्लाई हो रहा है T3। फाइन, सो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी आउट। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर, क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल।